नमस्कार। सबसे पहले TRD का शुक्रिया ये मौका देने के लिए। सब लोगों ने काफ़ी खूबसूरत पढ़ा धोखे पे ब्रेकअप पे, लेकिन मैं इस पे पढ़ूंगा। थोड़ा माहौल को बदलते हैं दुख दर्द से हटकर। तो एक शेर है कि एक रोज़ बनकर काजल तुम्हारी आंखों को सजाना है, एक रोज़ बनकर काजल तुम्हारी आंखों को सजाना है, तुम वक्त लेते आना, तुम्हें दिल का हाल बताना है। एक गज़ल है, सुनिएगा कि सारी शराब फिजूल थी उसकी निगाहों के सामने, सारी शराब फिजूल थी उसकी निगाहों के सामने, हमने जन्नत भी ठुकरा दी उसकी बाहों के सामने। हमने जन्नत भी ठुकरा दी उसकी बाहों के सामने, समझ नहीं आ रहा था फिर भी सुन रहे थे सब, समझ नहीं आ रहा था फिर भी सुन रहे थे सब, वो अंग्रेजी बोल रही थी उर्दू वालों के सामने। न जाने ये कैसा असर है उस लड़की का मुझ पर, न जाने ये कैसा असर है उस लड़की का मुझ पर, मुसलसल एक चेहरा आंखों में रहने लगा है। शिकायत है सबको मैं सोता हूँ बहुत, शिकायत है सबको मैं सोता हूँ बहुत, रातें छोटी पड़ती हैं यार उसके ख्वाबों के सामने। कभी बैठो इनकी छाया में तो समझ आए अनमोल, कभी बैठो इनकी छाया में तो समझ आए अनमोल, सारे दरख्त भी फिजूल हैं उसकी जुल्फों के सामने। बहुत शुक्रिया। और इश्क तो सब कर लेते हैं, लेकिन इश्क में जो सबसे मुश्किल काम होता है वो मेरे ख्याल से होता है इश्क का इजहार करना, जो हम नहीं कर पाते हैं। तो उसी इजहार को एक सवालों के थ्रू एक गज़ल में पिरोने की कोशिश की है। सुनिएगा कि ऐसा कहते हैं जैसे आपके हाथ में जो खाली जगह है वो इसीलिए ताकि कोई आए और आपका हाथ थामे तो वो पूरी हो जाए। इसी ख्याल पे है कि मेरे हाथों की खाली जगह तुम भरोगी क्या, मेरे हाथों की खाली जगह तुम भरोगी क्या, अच्छा सुनो मेरे साथ केदारनाथ चलोगी क्या। बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो मेरे साथ केदारनाथ चलोगी क्या, जिसे देखकर सबको शक हो मुझ पर, जिसे देखकर सबको शक हो मुझ पर, तुम मेरे चेहरे की वो मुस्कान बनोगी क्या। शुक्रिया। वो गज़लें जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी हैं, वो गज़लें जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए लिखी हैं, उन्हें मेरे कंधे पर सर रख कर सुनोगी क्या। सर झुकाकर मैं सजदा करना चाहता हूँ, सर झुकाकर मैं सजदा करना चाहता हूँ, तुम मेरे इश्क का खुदा बनोगी क्या। और एक आखिरी शेर पर मैं अपनी जगह लूँगा, ये खास शेर है तो दिखेगा कि तुम जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊँगा मैं, तुम जैसा चाहोगी वैसा बन जाऊँगा मैं, मेरी माँ को तुम अपनी माँ जैसा प्यार करोगी क्या। बहुत शुक्रिया।